हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। एक तरफ बढ़ती गर्मी तो उस पर बिजली के लिए हाहाकार, दूसरी तरफ बिजली चोरी की बढ़ती घटनाएं और उस पर गांव में घुसने पर बंधक बनाने की चेतावनी। देखिए कैथल के खुराना गांव का हाल इस रिपोर्ट के जरिए। एक तरफ बढ़ती गर्मी तो उस पर बिजली के लिए मचा हाहाकार, क्या करे सरकार, आपके अधिकारियों ने तो जीना मुहाल कर दिया। न दिन देखते हैं न रात, बस चले आते हैं गांव। ये कहना है कैथल के खुराना गांव के लोगों का, जो बिजली निगम के अधिकारियों पर तानाशाह रुख अपनाए हैं। गांव वालों को शायद बिजली निगम के अधिकारियों का बार बार गांव में आकर बिजली चोरी के नाम पर छापेमारी करना रास नहीं आया और पंचायत कर अधिकारियों के विरोध में फैसला ले लिया गया कि अगर बिजली निगम की टीम ने बिजली चोरी पकड़ने के लिए छापा मारा तो टीम में शामिल कर्मचारियों को बंधक बना लिया जाएगा और गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा, जिसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि खुद जिला प्रशासन होगा। चेतावनी ये भी है कि अगर गांव में नंगी तारों को उतारकर केबल डालने की कोशिश की गई तो उसका भी विरोध किया जाएगा। माना कि गांव वालों में रोष है, सरकार और निगम के लिए गुस्सा है, लेकिन क्या ग्रामीणों को किसी विभाग का डर नहीं, क्या कानून का भी लोगों के मन में खौफ नहीं? जो अधिकारी बैठे ना उरे तो बिल ना तो बिल बैंड रहे, और जब बिल बंद है तो डाले फिर ना मौका बरामदा कोई मारा तो गांव में ब्याज ब्याज ना मर दिया इसने गले के इंतजारी वाला लग गया। कितना बिल आ रहा है आपका? बिल का तो तोड़ी को नहीं, बस न्यू नहीं मेरा क्या हो रहा क्या नहीं। ये बिजली वाले की समस्या, जो बिजली वाले छापा मारना है कि नहीं आम गांव में उन्हें जान नहीं जाएंगे। फिर बिल भरते हैं और जो बिजली विभाग की तरफ से बार बार छापे मारे करके परेशान किए जा रहे हैं और बिजली विभाग की तरफ से मीटर बाहर लगाना चाहते हैं तो लगाओ, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन रात को दिन में कभी भी किसी टाइम घर में जाते हैं, घर में सभी के दी बैठी है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा अगर कल को ऐसी कोई विभाग हरकत करता है तो उसका जिम्मेवार खुद वो होगा। दूसरी बात, हम रेगुलर बिल पे कर रहे हैं, जुर्माना भी गया है सर। ये गाँव में रात को छप्पे मारा बिजली वाले और गांव में कोई चौकीदार ने सरपंच पे कोई किसी पे मैसेज नहीं देते, रात को दिन में भी मारा, इसका हम विरोध करते हैं। अगर आगे से हमने ऐसे मिल गए हम इनको बंदी बना लेंगे। ये तो देखा और सुना आपने ग्रामीणों का हाल, अब जरा आप बिजली निगम के अधिकारी को भी सुन लीजिए जिनको मामले की जानकारी तक नहीं है। निगम के निर्देशानुसार ही सब जगह कार्रवाई की जा रही है, जहाँ पर विजिलेंस एक्टिविटीज की जरूरत है वहाँ पर किया जा रहा है। इसमें किसी गांव के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा। पंचायत के बारे में जो भी हुई है उसके बारे में हमारी नॉलेज में नहीं है, बाकी प्रशासन अपना काम करेगा तो जहाँ पर चोरी मिलती है उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी निगम के निर्देशानुसार। अधिकारियों की बात और जनता के सवाल आपने सुन ही लिए, लेकिन इन सबके बीच सवाल ये भी है कि क्या ग्रामीणों का ये रुख सही है? अगर बिल समय पर भी भर दिए गए तो सवाल सरकार और प्रशासन से भी है कि आखिर विभाग के कर्मचारी क्यों बार बार गांवों में छापेमारी कर रहे हैं। कैथल से हरियाणा न्यूज के लिए विपिन शर्मा की रिपोर्ट।